आज है नीदरलैंड और इंडिया के बीच का एक धमाकेदार मुकाबला जिसको देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन मन में कहीं सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश हो जाए और यह मैच उस तरह से ना हो पाए जैसा कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के बाद इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हर कोई इच्छुक है और चाहता है कि मैच हर हाल में हो। देखा गया है कि पिछले दिनों आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था उसमें डीआरएस की वजह से, बारिश की वजह से ही आयरलैंड ने वो मैच जीत लिया था। अगर ऐसा नीदरलैंड और इंडिया के मैच के बीच में हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल तो ये भी है कि क्या हार्दिक पांड्या आज खेलने के लिए फिट है या नहीं, क्योंकि पिछले दिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में देखा गया था कि हार्दिक पांड्या को क्रैम्प्स आए थे। अगर हार्दिक पांड्या आज के मैच में ठीक नहीं होते तो भारत के लिए एक सिरदर्द जरूर होगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जो उसका परफॉर्मेंस अभी स्टार्टिंग में बना है उसको खराब करे और आगे चलकर इंडिया को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना अगर शुरुआत में कुछ बुरा हो जाए तो उसका असर अंत तक बना रहता है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं चाहती। हालांकि एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इस मैच को भारतीय क्रिकेट टीम ने भी काफ़ी सीरियसली लिया है। इसके लिए भले ही उन्होंने प्रैक्टिस सेशन न ज्वाइन किया हो, लेकिन किसी भी टीम को प्लेयर को रेस्ट नहीं मिला है, हर कोई मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर रखने की कोशिश किया है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि आज के दिन बारिश होने की संभावना फिलहाल सिडनी में काफ़ी कम है। अगर लग बाई चांस कहीं हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं कि आज सिडनी में बारिश होगा, यानी कि आज का मौसम पिछले दिन के मुकाबले काफ़ी अच्छा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बारिश नहीं भी हो सकती है। अब रही हार्दिक पांड्या की बात, तो टीम ने बताया कि भले ही हार्दिक पांड्या को क्रैम्प्स आ रहे हों, लेकिन हार्दिक पांड्या भी नहीं चाहते कि एक भी मैच मिस करे। वह इस T20 वर्ल्ड कप में सारे मैच खेलना चाहते हैं। और रही क्रैम्प्स की बात, तो इसको लेकर उन्होंने भी बताया कि भले ही क्रैम्प्स रहे हों, लेकिन आज के समय में हार्दिक पांड्या बिल्कुल फिट एंड फाइन है और वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और देखना यह है कि नीदरलैंड के सामने वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जिस तरह से टीम का संतुलन बना हुआ है, उम्मीद तो यही है कि आज का मैच भी बिल्कुल धमाकेदार होगा और आज भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा जो हमने इंडिया और पाकिस्तान के साथ देखा था। और विराट कोहली भैया की तो बात ही छोड़िए, आज तो विराट कोहली को देखने के लिए लोग स्पेशली एक्साइटेड हैं कि बस विराट कोहली स्क्रीन पर दिख जाए, मज़ा आ जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा, और आज का मैच कौन जीतेगा कमेंट जरूर करिएगा।